हेलो एवरीवन, मी एंड माय किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपने किचन में कुछ हटके बनाने जा रही हूँ। रोजमर्रा के खाने से हटके मैं बनाने जा रही हूँ करौंदे और लहसुन का अचार। मैं इसे करौंदा बोलती हूँ, आपके लैंग्वेज में कुछ भी बोलते हो तो। ये देखिए, ये इस तरीके से होते हैं करौंदे। ये लाल हो गया है, इसका मैं यूज़ नहीं करने वाली हूँ। इस तरह के जो लाल हो जाए आप उनका यूज़ न करें। जो सफ़ेद होते हैं या सफ़ेद में ही लाल शेड होता है, उस तरीके का लें आप करौंदा। 250 ग्राम करीब लिया मैंने, तो इस तरीके से मैंने उनको दो टुकड़े कर दिए हैं और अदरक के कुछ टुकड़े डाले हैं इसमें मैंने। इन्हें मैंने 3 से 4 घंटे के लिए धूप में रख दिया था। मैंने लिया है 100 ग्राम के करीब लहसुन। अगर आप लहसुन नहीं खाना चाहते हैं या अदरक नहीं खाना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। तो 3 से 4 घंटे हो चुके हैं मेरे करौंदे को धूप दिखाए हुए। अब चलिए करते हैं मसालों की शुरुआत। यहाँ मैंने मंगरेल और सौंफ को एक बाउल में लिया है, जीरा लिया है, मस्टर्ड सीड लिया है और मेथी दाना लिया है। इन सबको हम अलग अलग भून लेंगे। तो सबसे पहले हम भूनेंगे मेथी के दाने को। मेथी के दाने को थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। उसके बाद मैंने सौंफ और मंगरेल को बस हल्का सा गर्म ही किया है, इन्हें भुनना नहीं है। उसके बाद मैंने जीरा लिया है, जीरा को भी हमें बस गर्म करना है, ज़्यादा भुनना नहीं है, नहीं तो इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। ये है लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है, आप भी करें तो अच्छा होगा। इसको हमने अच्छे तरीके से भून लिया है। भूनने से इसका एक तो मॉइस्चर निकल जाता है, दूसरा इसके अंदर अगर कोई फंगस वगैरह हो तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। मस्टर्ड सीड को भी बस हल्का सा गर्म करना है, इन सब का मॉइस्चर निकल जाने तक ही बस हमें गर्म करना है। अब मैंने इसको एक जार में डाल दिया है, इसका हम बनाएंगे पाउडर। पाउडर बहुत फाइन नहीं करना है, कोर्सली रहे थोड़ा तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा मैंने सौंफ और मंगरेल को बचा लिया, ये हम ऊपर से ऐड करेंगे। सारे मसालों का मैंने पाउडर बना लिया है, देखिए इस तरीके से पाउडर बन के रेडी हो गया है। अब हम करते हैं इसके आगे की प्रोसेस। इसके बाद जो ये लहसुन थे मैंने करौने में डाल देना है इस तरीके से। जो मैंने सौंफ और मंगरेल अलग से रख रखी थी उसको भी हम इसमें डाल देंगे। अब इसके बाद मैंने एक कढ़ाई में लिया है करीब 100 ml के करीब ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है। इसको हमें अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है धुआं आने तक। जब ये गर्म हो जाएगा तेल, फिर इसे हमें ठंडा होने देना है, एकदम ठंडा हो जाए। अब हमने इसमें डाल दिया नमक। नमक हमने पहले नहीं डाला था, अब मैंने डाल दिया नमक इसमें। नमक डाल के मिला देंगे अच्छे तरीके से। नमक हमेशा करौंदे को कट करने के बाद ही डालें और सूख जाने के बाद ही डालें। पहले डालने से ही मॉइस्चर बहुत छोड़ते हैं पानी। तो ये देखिए तेल मेरा ठंडा हो चुका है। हमें एकदम ठंडा नहीं करना है, बस ल्यूकवार्म रहे, बस छूने से गर्माहट महसूस हो, इतना ठंडा करना है। अब मैंने डाल दिया करीब इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर। इसको हम अच्छे तरीके से मिला देंगे तेल में। फिर इसके बाद जो हमने मसाला, ये देखिए मैंने ड्राई रोस्टेड धनिया के सीड भी डाले हैं। उसके बाद जो पाउडर बनाया था हमने वो 3 चम्मच के करीब हमने इसमें डाल देना है। मसाला आप अपनी जरूरत के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मिर्च बढ़ा सकते हैं या मिर्च घटा सकते हैं, जैसा आप चाहें। फिर उसके बाद मैंने ये सारे लहसुन और करौंदे को इसमें डाल दिया है। इसको भी अच्छे तरीके से मिला लेना है ताकि मसाले और तेल सब करौंदे में आप लिपट जाए अच्छे से, उनकी कोटिंग हो जाए मसालों की सारे लहसुन पे और करौंदे पे। ये देखिए इस तरीके से मिला लेना है। अगर आप तेल ज़्यादा डालना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। मैंने सिर्फ इतना ही तेल डाला है जिसमें कि मेरे मसाले अच्छे से और जो करौंदा और लहसुन है वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। काफी अच्छे तरीके से मिला दें आप। ये देखिए सारे मसाले आपस में मिल चुके हैं, ये रेडी है मेरा करौंदे का अचार। तो अगर आपको मेरी ये अचार की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।